डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास टेंथ के लिए मैथमेटिक्स को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो क्लास टेंथ में जो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं फ़िलहाल, वो एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक के हम लोगों ने पढ़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है और उसको हमको कैसे सॉल्व करना है, इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यहाँ लिखा हुआ कि कोई कार है और उसका पहिया है, पहिया मतलब चक्का, और उसका व्यास दिया है 80 सेंटीमीटर। तो मान लिया कि यहाँ पे किसी कार का पहिया है यानी कि चक्का है, और इसका व्यास हमको दिया है 80 सेंटीमीटर, मतलब एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक की दूरी है टोटल 80 सेंटीमीटर। ठीक है, एक छोर से दूसरे छोर तक दूरी 80 सेंटीमीटर है, यानी कि हम लोगों को पहिया का व्यास यहाँ पे दिया हुआ है। पहिया का व्यास, तो पहिया का व्यास यानी कि डी का मान दिया है 80 सेंटीमीटर में। इसलिए यहाँ से त्रिज्या निकाल लीजिए, त्रिज्या का फार्मूला होता है d/2, और d/2 मतलब 80/2 यानी कि 40 सेंटीमीटर। इसलिए r का वैल्यू हो गया 40 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो यहाँ पे जब भी हमको चाल दिया रहेगा ना, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि इस पहिया का या इस वृत्त का परिधि निकालना है। कब सोच लेना है? जब हमको प्रति घंटा, प्रति मिनट, प्रति सेकंड कुछ चाल दिया रहेगा, तो उस चाल से, देखिए यहाँ लिख रहा है ना कि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो जब कभी भी चाल दिया रहेगा ना, आप समझ जाइएगा कि हमको निकालना है परिधि। तो यहाँ पे पहिया का परिधि निकाल लीजिए आप, पहिया का परिधि। परिधि कैसे निकालेंगे? तो परिधि का फार्मूला होता है 2πr। तो यहाँ परिधि का फार्मूला लिख लीजिए 2πr, 2 × π का वैल्यू 22/7 गुने आर, आर का मान 40। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 40 × 80, और 80 में 22 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1760/7 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने 2 को 22 से और 22 को फिर 40 से, मैंने जितना आएगा 2 × 22 = 44, और 44 × 40 1760 है का बट्टा में 7, ये हो जाएगा हम लोगों का परिधि। अब यहाँ पे दिया है हम लोगों को चाल, क्या दिया है? दिया है कार की चाल, कार की चाल, कितना कार की चाल है? तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि हम बोल सकते हैं 66, और किलोमीटर को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे वो समझिए, यही यहाँ पे इस क्वेश्चन में मेन है। 66 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर में आप जानिए कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो पहले किलोमीटर को हम लोग चेंज करेंगे 1000 करके, तब ये हो जाएगा मीटर। और प्रति, प्रति का मतलब होता है बट्टा, बटा में घंटा है 1 घंटा, और हमको समय यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे घंटा को किस में चेंज करेंगे? मिनट में। क्यों मिनट में चेंज करेंगे? क्योंकि यहाँ पे 10 मिनट पर के क्वेश्चन है। अगर ये सेकंड रहता तब मेरा प्रयास ये होना चाहिए था कि घंटा को सेकंड में चेंज करते हैं, यहाँ पे 10 मिनट बोल रहे हैं, तो यहाँ घंटा है, तो 1 घंटा में टोटल 60 मिनट होते हैं। अब यहाँ से देख पा रहे होंगे कि 0 से 0 कट रहा है और 6 से 11 बार में कट रहा है, तो कुल मिलाकर हम लोगों को अब मिल रहा है 1100 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, ऊपर तो मीटर है, अब हमको तो सब यहाँ पे सवाल सेंटीमीटर में दिया है, तो इस मीटर को हम चेंज करेंगे। तो अब आपको जानना चाहिए कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो ई मीटर को हम लोग गुना कर दिए 100 से,
तब ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, और नीचे तो सिर्फ बच रहा है मिनट, हम नीचे मिनट को मिनट में बदल, चाहते तो सेकंड में भी बदल सकते थे, एक ये जो मिनट है उसको 60 लिख के सेकंड लिख देते हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ क्वेश्चन किस में है, मिनट में, इसलिए यहाँ पे हम लोग मिनट का मिनट छोड़ दिए। तो कुल मिलाकर आ गया हम लोगों को 1100 पर 4 को 0 सेंटीमीटर प्रति मिनट, यानी कि एक मिनट में कितना सेंटीमीटर दूर जाता है वो, 1,10,000 सेंटीमीटर दूर भागता है कार। ठीक है, ये हम लोगों को चाल निकल गया। अब हम लोगों को समय भी दिया है कि कितना समय हमको चलाना है उस कार को, तो 10 मिनट तक के चलाना है। ठीक है, एक मिनट में जब 1,10,000 है तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा, तो पूरा पूरी 11 लाख हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक मिनट में हम लोगों का कार जो है 1,10,000 सेंटीमीटर दूर भागता है। यूं बोले तो चाल का वैल्यू हम लोगों को निकल गया, और समय का वैल्यू 10 मिनट है। तो आप पढ़े होंगे ना 8th क्लास 9th क्लास में कि दूरी निकालते वक्त दूरी का फार्मूला होता है चाल गुने में समय, चाल गुना समय, ये फार्मूला है। चाल हम लोगों को कितना लिखना है, तो चाल आया है 1,10,000, तो 1,10,000 हम लोगों को चाल है, समय 10 है, तो पूरा कितना हो जाएगा, 11 लाख हो जाएगा, 11 लाख सेंटीमीटर दूर हो गया। अब उसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन, तो बोल रहा है कि पहियों का पहिया कितना चक्कर लगाएगी, यानी कि हमको पहिया के चक्करों की संख्या पूछ रहा है कि वो पहिया जो है कितना चक्कर घुमा। तो पहिया के चक्करों की संख्या, हमको पहिया के क्या बताना है, चक्रों की संख्या बताना। तो चक्रों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो कुल दूरी में जितना दूरी है उतना में हम परिधि से भाग दे देते हैं। तो कुल दूरी कितना है अभी, 11 लाख सेंटीमीटर। ठीक, और परिधि कितना है, तो परिधि है हम लोगों को 1760 बटा में 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, नीचे वाला 7 ऊपर चल जाएगा, तो 1177 लाख हो जाएगा। ठीक है, बट्टा में 1760, अब डिवाइड कर दीजिएगा, जितना आएगा उतना चक्कर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को क्वेश्चन था, 77 क्यों हुआ, क्योंकि नीचे वाला 7 ऊपर चला गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन था, अब इस क्वेश्चन को आप खुद आंसर लाइएगा कितना आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये 12.1 एक्सरसाइज का बोले तो ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा उत्तर का औचित्य दीजिए, यानी कि ये जो क्वेश्चन है पांचवा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर हमें ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, अब ये ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सही होगा, उसको टिक आउट करना है। तो उसके पहले हम लोगों को क्वेश्चन को तो सॉल्व करना पड़ेगा। बोल रहे कि एक वृत्त है उसका परिमाप, और परिमाप को हम लोग परिधि के नाम से भी जानते हैं, और क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है, तो उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन बोला जा रहा है। पांचवा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, प्रश्न से लिखिएगा, प्रश्न से वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप जो है किसके बराबर है, तो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। ऐसा कहाँ से बोला जा रहा है, तो प्रश्न में बोला है कि वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, तब त्रिज्या का मान बताइए। तो वृत्त का क्षेत्र परिमाप होता है, परिधि बोलिए चाहे परिमाप बोलिए, 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr². तो यहाँ r से r कट गया, एक बार कट गया, और पाई से पाई कट गया, तो r का मान कितना आ गया, इसलिए r का मान 2 हो गया, यानी कि त्रिज्या कितना होना चाहिए, तो 2 सेंटीमीटर चाहे 2 मात्रक जो कह लीजिए। तो इसमें आंसर हो जाएगा हम लोगों को ऑप्शन नंबर ए, लिखा हुआ है ना 2 मात्रक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को इजी वे में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो इस तरीके से टोटल 12.1 क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन थे
उन क्वेश्चंस को हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। फिर आगे की क्लास में 12.2 जो एक्सरसाइज है उसमें जो जो हम लोगों को फार्मूला यूज करना पड़े या फार्मूला ज़रूरत होगा, तो पहले उस फार्मूले को हम लोग पढ़ेंगे और फिर 12.2 एक्सरसाइज को हम लोग सीखेंगे, उसके क्वेश्चन को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।